हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ कि आउटवर्ड कर्ल्स कैसे करें। देखिए, ऑब्वियसली आउटवर्ड कर्ल्स ड्रायर की हेल्प से हमने करना है। आउटवर्ड कर्ल्स करने के लिए आपको अपना ड्रायर चाहिए। ऑब्वियसली जो ड्रायर है वो आपका 2000 वॉट्स का होना चाहिए। 2000 वॉट का ड्रायर ही आप हमेशा यूज़ करें, दैट इज़ वेरी सफिशियंट आपके कर्ल्स के लिए, आपके एप्लीकेशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए, आपके प्रोसेस के लिए। एंड इसमें ग्लो अच्छी आती है, 2000 वाट का होगा, हीट अच्छी आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट थिंग, आपने को आउटवर्ड कर्ल्स करनी है। आउटवर्ड कर्ल्स के लिए आपको इस तरह की प्रॉप का यूज़ करना है। ये आपको ड्रायर के साथ ही मिलती है और इसको लगाना है लाइक दिस। ये इसके साथ आपके साथ इसके ड्रायर के साथ आपको टू प्रॉप्स इस तरह की मिलती हैं, ठीक है। और आप इन्हें जब भी आप कर्ल्स करें, इन्हीं का यूज़ करें। क्यों? क्योंकि इसकी जो ये जो चीज़ है, ये काफ़ी चौड़ी है। जब आप कर्ल्स करते हो तो आपकी जो हीट है इसी पैटर्न में निकलती है और आपके हेयर्स पे जाती है, जिसकी वजह से आपको पैटर्न बनाने में इजी होता है। सेकेंडली, आपको इस तरह के कॉम्ब्स का यूज़ करना है लाइक दिस। ये सीरामिक कॉम्ब है, मैं मैक्सिमम टाइम यही कॉम्ब्स का यूज़ करती हूँ, यू नो वेरी वेल, ठीक है। आपने यही कॉम्ब्स मेरे पास देखे होंगे। कम से कम दो कॉम्ब्स आपके पास होने चाहिए जब आप कर्ल्स करें। अब ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि दो कॉम्ब्स क्यों होने चाहिए। ये मैं जब आपको प्रोसेस बताऊंगी तब आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट, आपको अपनी हेयर स्प्रेज चाहिए होंगी। अगर आपके पास ओसिस प्लस की जो हेयर स्प्रे है वो काफ़ी अच्छी स्प्रे होती है, वो काफ़ी थोड़ी कॉस्टली आती है, इस वजह से थोड़ा नहीं बाय करते, यानी नॉर्मली बाय नहीं करते। जो आर्टिस्ट होते हैं वो मैक्सिमम, यानी कि जिनका प्रॉपर काम होता है ना हेयर स्टाइलिंग का, वो तो ज़रूर रखते हैं। नेक्स्ट, आपको इस तरह के क्लिप्स की नीड पड़ती है। ये स्टील के सेक्शन क्लिप्स हैं। अब आपको करना क्या है आउटवर्ड कर्ल्स करने के लिए? देखिए, जब भी आप हेड पे कोई काम करें तो प्लीज़ सेक्शंस बना के करें, सेक्शंस ज़रूर बनाएं। आउटवर्ड कर्ल्स करने कैसे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आप देखिए, ये कॉम है, इसके जो टीथ हैं ये सीरामिक के हैं, अच्छी हीट को हैंडल कर लेते हैं। ये आपको बड़े साइज़ में, बड़े डायमीटर में मिल जाएंगे, छोटे डायमीटर्स में भी मिल जाएंगे। मीडियम साइज़ का है, मैं मीडियम साइज़ के कर्ल्स कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, सपोज़ मैंने यहाँ से एक सेक्शन लिया है, सेक्शंस में काम करना है। ऑलवेज़ वर्क इन सेक्शन, अपने हेयर को लाइक दिस प्रॉपरली कॉम करें, यहाँ से इस तरह से सेक्शंस में काम करें। पीछे वाले सेक्शंस को अपने आराम से बैक करके इसको होल्ड करें, इस तरह से इसे नीट एंड क्लीन कर लें। नीट एंड क्लीन करने के बाद हम आउटवर्ड कर्ल कर रहे हैं। आउटवर्ड कर्ल करने के लिए आपका ये जो कॉम्ब है, यानी कि जो राउंड कॉम्ब है, ये आपका ऊपर होगा, ऊपर से इस तरह से होगा, ठीक है, ऊपर होगा। और ऊपर से जब भी हम इस तरह की कर्ल्स करेंगे तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो इसको इस फॉर्म में फोल्ड करना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ किस तरह से आप वर्क करेंगे। ये जो कॉम्ब है आपका ऊपर होगा, ठीक है, और ये जो फॉर्म है, जब क्योंकि जब भी हम कर्ल्स करने हैं वो नीचे से करते हैं, और ये जो कॉम्ब है ना, ये इस तरह का होता है कि आपके जो हेयर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो आपको ऊपर से कॉम्ब करना है, आउटवर्ड डायरेक्शन में इसे, आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से इसे मूव करना है। किस तरह से, एक बार और देख लीजिए, इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में ऊपर से इस तरह से इसे मूव करना है। वन मोर टाइम, ऊपर से कॉम्ब करेंगे, नीचे देखिए मेरे हैंड पे, इसको इस तरह से हेयर्स को इसके ऊपर मूव करना है, जिससे कि ये अच्छे से इस पर जो है राउंड हो जाए लाइक दिस। अब देखिए, इसका पैटर्न आउटवर्ड कर्ल का है, बाहर की साइड कर्ल आ रहा है ना, तो इस तरह से। और देखिए, जब भी आप कर्ल का प्रोसेस करें तो थोड़ा सा गीला करके ना मूस ज़रूर लगा लें, मूस ज़रूर लगा लें, ताकि आपकी कर्ल्स जो है वो लंबे टाइम तक स्टे रहें। मैक्सिमम ये होता है कि क्वेश्चन कि हमारी कर्ल्स नहीं टिकती हैं, वो क्यों नहीं टिकती हैं, वो इसी रीज़न की वजह से नहीं टिकती हैं, आपने मूस नहीं लगाया,
कर्ल्स कर लिए और किस तरह से कर किए हैं ये भी डिपेंड करता है, और बाद में हेयर स्प्रे जो सेट करने के लिए वो भी यूज़ होती हैं, है ना। तो नेक्स्ट हमने क्या किया है, ऊपर से कॉम किया प्रॉपरली और टिप तक लाए एंड इन हेयर्स को अंदर की साइड इन्हें फोल्ड कर दिया लाइक दिस। फोल्ड किया, ये देखिए यहाँ पे फोल्ड हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमारा काम है ड्रायर का। ड्रायर को हमेशा होल्ड करें यहाँ से, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे ड्रायर को चलाती हूँ। अब इसमें मेरे पास फुल ब्लो है और फुल ब्लो एंड फुल हीट, फुल ब्लो फुल हीट यानी हाई ब्लो हाई हीट पे मैं वर्क कर रही हूँ। एंड देन अगेन मैंने क्या करना है, अपना कॉम्ब लिया ऊपर से लाई एंड इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में इसे यहाँ पे कॉम्ब में डाल दिए हेयर्स को लाइक दिस, डाल दिए, है ना, ऐसे है ना। अब हमने इस तरह से देखिए हम ड्राई कैसे कर रहे हैं लाइक दिस, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे क्यूटिकल डैमेज ना हो। और ऊपर से भी लाइक दिस, इस तरह से ऊपर से लाएंगे, टिप से स्टार्ट करना है, स्टार्ट हमें डाउन से करना है और इस तरह से इसे हीट करेंगे। एंड और जब भी हम बाहर से हीट देंगे तो हमने इस तरह से देनी है लाइक दिस, अपनी कॉम को इस तरह से आपने अप एंड डाउन करना है लाइक दिस, इस तरह से। उन हेयर्स को हम हीट नहीं दे रहे हैं, हम नीचे वाले हेयर्स को हीट दे रहे हैं क्यूटिकल की डायरेक्शन में, क्यूटिकल की डायरेक्शन में। एंड देन ऊपर से एंड इसको राउंड मूव करेंगे लाइक दिस, एंड इसको फिर से एंड इसको राउंड मूव करेंगे। जितना भी आपने कर्ल रखना है, जितना भी आपने कर्ल रखना है उतना कर्ल करें, सपोज मुझे इतना रखना है। और एंड देन हेयर्स को मैं अगेन ड्रायर की हेल्प से इसे इस तरह से हीट दूंगी और ऊपर से भी मैं इसे हीट दूंगी और इसको अप एंड डाउन, ठीक है, इस पोर्शन में इस तरह से, इस तरह से आपको अपने कॉम को करना है और इसे हीट देनी है लाइक दिस, और ऊपर से इस तरह से आपको इसे हीट देनी है। इसको प्रॉपरली हीट अप यानी कि इस तरह से करने के बाद आपने अपना ड्रायर जो है वो ऑफ कर दिया। अब देखिए हमने इस सेक्शन में हीट दी, हमने यहाँ पे कर्ल बना लिया। अब ये क्या हुआ, अब मैं इसे ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकती, अगर मैं इसे ओपन कर दूंगी तो ये जो मैंने कर्ल बनाया है ये खुल जाएगा, हमने इसे खोलना नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा कर्ल का पैटर्न एज इट इज़ बना रहे, यही चाहते हैं ना हम, कि जो पैटर्न हमने बनाया है वो बना रहे। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस कॉम को थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, आप कहीं भी थोड़े टाइम के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें, इसको ऐसे ही रहने दें। क्यों, क्योंकि अभी ये गर्म है, अगर आप इसे ओपन कर दोगे ना तो आपका कर्ल ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या, या तो आप अपने क्लाइंट के शोल्डर पे इसे छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, या फिर कुछ टाइम के लिए आपको छोड़ना पड़ता है ताकि ये ठंडा हो जाए। तभी इसलिए मैं यहाँ पे कह रही थी कि दो ब्रशेस का यूज़ करें ताकि आप दूसरे सेक्शन पे काम कर सको इसको छोड़कर। तो हमने क्या करना है, इसको वेट करना है जब तक ये ठंडा होता है। अभी ये बहुत गर्म है, आपको ठंडा होने का इसका वेट करना है। नियर अबाउट 2 to 3 minutes में ही ठंडा हो जाएगा और इसको आपने कॉम में ही रहने देना है, इसको आपने कॉम में ही रहने देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाता है ये सेक्शन, तब तक जब तक आप इसे अपने क्लाइंट के जो शोल्डर है उस पर रेस्ट करने दें या कहीं भी, और तब तक आप दूसरे सेक्शन पे दूसरे कॉम के साथ वर्क करें। और जब ये ठंडा हो जाएगा आपने क्या करना है, अभी ये गर्म है मैं जस्ट आपको निकाल के दिखा रही हूँ, आपने इस जो आपने ये जो कर्ल पैटर्न बनाया है ना, आपने इसे ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपने जस्ट इसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप इसे ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद इसे ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है, आपने इसे ऐसे राउंड मूव करना है लाइक दिस, जैसे आपने पैटर्न बनाया था उसी वे में आपने राउंड मूव करना है। और राउंड मूव करके, ठीक है, इस वे में हमने पैटर्न बनाया था ना, है ना,
राउंड मूव करके आपने इस तरह के क्लिप्स का यूज करना है और इस तरह के क्लिप्स को यहाँ पे लगा देना है। बड़े बड़े क्लिप्स जो होते हैं, इस तरह के क्लिप्स का आपने यहाँ पे यूज करना है और इसे यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। अब आप देखिए, आपका ये पैटर्न है लेकिन अभी ये ओपन नहीं हुआ, अभी ये क्लोज है। इसे रेस्ट करने दें। जब तक ये रेस्ट होता है, आप और सेक्शंस पे वर्क करें एज इट इज, जैसे कि इस पे किया है। अभी इसे ओपन नहीं करना। आपने मूव लगाया हुआ होगा तो ये प्रॉपरली मैनेज रहेगा, ये ओपन नहीं होगा। एंड देन आपने अपनी स्प्रे का यूज जरूर करना है प्रॉपरली। अपनी हेयर स्प्रे लें और इसको अच्छे से हल्का हल्का सा दूर से स्प्रे करें। दूर से आपने इसे स्प्रे करना है, बिल्कुल लाइट स्प्रे करना है। एंड और कुछ टाइम के बाद, जैसे ही आपका ये जो सेक्शन है ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा, एंड देन आपने इसे ओपन करना है। ओपन करोगे तो ये जो है आपका सेक्शन थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा ओपन होगा और आप इसे किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। अब आप देखिए, ये होगी, ये है आपका आउटवर्ड कर्ल्स। आउटवर्ड कर्ल्स होते हैं जो बाहर से, यानी अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने इसे किया है। अब आप इसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं या कोई भी फॉर्मेशन आप इस तरह से रखना चाहते हैं इस तरह से रखिए, आप इस तरह से रखना चाहते हैं इस तरह से रखिए। जो भी फॉर्मेशन आपको एक ही बार सेट करनी है, मैंने इस तरह से किया था तो ये फॉर्मेशन आ गई ना, तो आपको एक ही बार में अपनी फॉर्मेशन को सेट करना है। एंड अपने हेयर्स को लाइक दिस, जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं, इसमें फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे वेव्स क्रिएट की इसमें। तो ये जो आपकी फॉर्मेशन बनेगी ना, ये जो आपकी फॉर्मेशन बनेगी, ये इसी तरह से ही इसी पैटर्न में बनी रहेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपकी आउटवर्ड कर्ल्स और यही फॉर्मेशन आपने पूरे हेड पे फॉलो करना है। यानी कि आप अपना सेक्शन लीजिए और देखिए, जब भी मैं बात करती हूँ, ये जस्ट एक ट्रिक है। जब भी आप आउटवर्ड कर्ल्स या इनवर्ड कर्ल्स जो भी करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपको हमेशा सेक्शंस में वर्क करना है। देखिए आपकी फॉर्मेशन फ्रंट से किस तरह की फॉर्मेशन है, कितनी प्रिटी लग रही है ये फ्रंट से, है ना, कितनी प्रिटी लग रही है। आप चाहें तो इसको पीछे भी घेर सकते थे, हमने इसे फ्रंट में ले लिया, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मेशन है कुछ इस तरह की लगेगी। तो ये देखिए, ये वाला पैटर्न देखिए और यहाँ से बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से आप जो है ये फॉर्मेशंस कर सकते हैं। ये हमारी आउटवर्ड कर्ल्स होती हैं। अब हमेशा ध्यान रखें, अब आप देखिए मैंने क्या किया था यहाँ पे। अब जब मैंने आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए सेक्शन है मेरा, अब मैंने क्या किया था, मैंने एक कॉम्ब लिया था जिसको मैंने ऊपर से कॉम किया था और ऊपर से कॉम करके मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया था, है ना। जब मैं ऊपर से आ रही थी इस तरह से, तो मैंने क्यूटिकल की डायरेक्शन का ख्याल रखा, मतलब कि मेरी क्यूटिकल की डायरेक्शन अप टू डाउन होती है ना, मेरे हेयर्स पे क्यूटिकल की डायरेक्शन, तो मैंने अप टू डाउन वर्क किया और इस तरह से ड्राई किया, यानी कि ड्रायर की हेल्प से अपने फॉर्म किया। टिप से स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करना है। सेकेंडली, जब आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ हीट देते हो तो वो भी क्यूटिकल की डायरेक्शन में देनी है। जैसे कि हमारे क्यूटिकल, अब ये देखिए क्यूटिकल की डायरेक्शन ऊपर से आ रही है, ये हमारी क्यूटिकल की डायरेक्शन है, यहाँ से इस तरह से इस तरह, ये हमारी क्यूटिकल की डायरेक्शन है। तो यहाँ से मैं इसी वजह से ऊपर से इस तरह से हीट दे रही थी क्यों, ताकि हमारे क्यूटिकल की डायरेक्शन बनी रहे, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना है, क्यूटिकल की डायरेक्शन में वर्क करना है। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमेशा हमने यहाँ से ड्राई करना है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ड्राई करना है, इस तरह से क्यूटिकल की डायरेक्शन में और अगेन क्यूटिकल की डायरेक्शन में। और जब हम जहाँ तक आपने कर्ल रखनी है वहाँ तक जाओगे, एंड देन आपको अप एंड डाउन करना है और ड्रायर रेगुलरली करना है, अप एंड डाउन करना है, ड्रायर रेगुलरली करना है। और जब आपको प्रॉपरली ड्रायर, यानी कि ड्रायर का यूज़ हो जाएगा, आपने अपने ड्रायर को छोड़ना है
उस टाइम पे आपका सेक्शन गर्म होगा, आपको वेट करना है, तो आप दूसरे सेक्शन पे दूसरे कॉम से वर्क करें, आपका दूसरा कॉम फ्री हो जाएगा और उससे उसको सेट करें एंड दूसरे पे वर्क करें। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा देन आपको इसको स्लोली स्लोली ओपन करना है, ठीक है ना। ये तो मैंने खैर हीट नहीं किया इसलिए ये ऐसे ही है। और जैसे ही आपका सेक्शन ओपन होगा आपको अगेन उसी में ही उसी फॉर्म में अपने सेक्शन को लेके आना है। यहाँ पे सेक्शन क्लिप्स लगाने हैं, क्लिप्स लगा के आपको इसे सेट यानी स्प्रे करना है, सेट होने देना है थोड़ी देर के लिए। और एक नंबर का स्प्रे जो कि ओसिस प्लस का है उसका यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी कर लाएगी, बिल्कुल मैस नहीं होगा। और फिर आप जब इसे ओपन करेंगे आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मर्जी रख सकते हैं। तो क्यूटिकल के डायरेक्शन का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आउटवर्ड कर्ल्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इनवर्ड कर्ल्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ और आगे जो फर्दर हमारी वीडियोज़ आ रही हैं वो भी मैं आपके लिए लाऊंगी। सो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर सैलून में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाई।